हेलो दोस्तों, यदु टीवी चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है और आज हम आपको दिखाएंगे सेक्टर 12 है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, कितना डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस सब की हम पूरी जानकारी देंगे। और इस समय हम सेक्टर 12 में ही चल रहे हैं। आप देखिए इधर, ये सब सारी बिल्डिंग्स हैं, ये सब सेक्टर 12 की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग निर्माणाधीन है, इधर ये पीछे का हिस्सा है और हमारे सामने भी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ से, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस स्थिति में है और उसकी क्या कंडीशन है। सारी जानकारी हम आज आपको देंगे। वीडियो को आप पूरा देखें और ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये सामने जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रिंग का प्रोजेक्ट है। ये वाला स्ट्रिंग का प्रोजेक्ट मैं आपको इधर से दिखाता हूँ कैसा है। ये पूरा स्ट्रिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें 2 BHK और 3 BHK। 2 BHK और 3 BHK हैं इसमें और पूरा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया गया है और चल रहा है काम। इसमें आप फ्लैट की बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ के जो रेट हैं 7000 स्क्वायर फीट के आसपास इसके रेट है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये सरकारी वाले फ्लैट हैं जो कि बने हुए थे। इसमें 1 BHK हैं, 2 और 3 BHK इसमें खास तौर से फ्लैट्स हैं। इसके अंदर 3 BHK, 2 BHK और 1 BHK हैं। ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। और ये आ गया SK। कि यहाँ पर क्या चल रहा है इस समय और क्या कंडीशन है, पूरी हम आपको जानकारी दे रहे हैं 1-to-1। देखिएगा, मैं आपको क्लियर करके बता दूं, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं यहाँ पड़ोस में ही रहता हूँ सेक्टर 10 में, इसलिए मैं आपको सेक्टर 12 दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे मैसेज करके तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रेट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पर पुराने प्रोजेक्ट भी हैं, नए प्रोजेक्ट भी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। सामने फ्यूजन का प्रोजेक्ट है, ये सामने जो नया बन रहा है फ्यूजन का प्रोजेक्ट है और ये MY1 में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका पूरा। ये आप देखिए फ्यूजन, क्योंकि मैं वही प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं आपके लिए जो कि यहां पर नए हैं। पुराने वाले प्रोजेक्ट का मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उन प्रोजेक्ट को बताने का कोई खास लाभ नहीं है। खास लाभ इसलिए नहीं है कि वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा बताना या बहुत ज्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें शायद ही कोई फ्लैट खाली हो, वो पहले से ही ऑलरेडी फुल। तो आप सामने आप देखिए, ये स्प्रिंग एलमास का प्रोजेक्ट है, इस पर मैंने एक और डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप सिर्फ स्प्रिंग एलमास का देखना चाहते हैं तो उसका मैं कमेंट में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा स्प्रिंग एलमास की क्या कंडीशन है। यहाँ पर भी लगभग 7000 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। और ये कोई BBIP करके नया प्रोजेक्ट आया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा प्रोजेक्ट। मैं आपको पूरी कंडीशन से अवगत करा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा और लंबा वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट में ही सारा कुछ दिखाऊंगा और पूरा दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए। आप ये देखिए, यहाँ से जो दूर में दिखाई दे रहा है वो फ्यूजन का प्रोजेक्ट है। उसके बाद में ये अभी मैंने दिखाया था स्प्रिंग एलमास का है ये, और ये यहाँ पर 6% वाले प्लॉट हैं। ये सब 6% के प्लॉट हैं और 6% के प्लॉट्स में बहुत सारे यहाँ मकान बने हुए हैं। ये 6% है पूरा एरिया, ये सब 6% का एरिया है। काफी सारा डेवलपमेंट 6% के एरिया में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है, अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है और अच्छा एरिया है। आप यहाँ चाहें, अगर आप चाहें कि आपका अपना घर हो और सेक्टर 12 में हो, तो उसके लिए ये जगह बहुत ही उपयुक्त है ये, क्योंकि यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ के रेट लगभग 60 से लेकर के 70 हजार स्क्वायर मीटर के रेट हैं, इससे कम नहीं है रेट, क्योंकि रेट लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ज्यादा होता है और वैसे वैसे रेट बढ़ते रहते हैं। और ये देखिए, ये भी सब 6% का है और वो वहां दूर में आप देखिए तो बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है उधर में,
काफी अच्छी सुविधाओं के साथ, और ये और वो जो रेड सी बिल्डिंग दूर में दिखाई दे रही है, शायद दिखेगी नहीं दिखेगी मुझे नहीं पता, तो वो गांव का एरिया है और ये सारा है। और सामने है, यहां से हम दूर में देखें तो हमें यहां पर गूगल डेटा सेंटर दिखाई देता है, और ये फ्यूजन का प्रोजेक्ट है ये यहां से सर। हम दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट और नई नई चीजें दिखाते रहेंगे, फ्यूचर में भी दिखाएंगे। मैं इस पूरी कॉलोनी को शायद दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, इस पूरी कॉलोनी को दूसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्यूजन है, SBI होम लोन कर रही है, ICICI कर रही है, और केनरा बैंक है, बहुत सारे बैंक इसके लिए, हर बैंक इसके लिए लोन कर रहा है। ये पूरा फ्यूजन का प्रोजेक्ट है, यहाँ से लेके वहां तक फ्यूजन है, ये फ्यूजन ही फ्यूजन छाया हुआ है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रोजेक्ट है। अगर आप माई वन में कंस्ट्रक्शन में खरीदने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, और यहाँ के रेट हैं 7,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से ये रेट मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर 3 BHK भी हैं, 4 BHK भी हैं, और मैं ज्यादा जानकारी आपको दे दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रॉपर्टी के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये देखिए पूरा फ्यूजन का प्रोजेक्ट है, ऊपर तक फैला हुआ, कितना अच्छा और शानदार कंस्ट्रक्शन है। और ये मार्केटिंग ऑफिस है यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सब पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, इनके मैं नाम बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि इनसे कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं है। और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है, उधर में वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है उधर। ये प्रोजेक्ट किसी कहीं कारणों से अटक गया था, तो तब से अब ये अटका ही पड़ा है, और उम्मीद की जाती है जल्दी ही ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, लेकिन मैं नहीं जानता कब तक ये प्रोजेक्ट। SKA का प्रोजेक्ट पूरा एफएक्स, और ये अभी भी अटका हुआ है प्रोजेक्ट, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये कब तक शुरू होगा, लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है, और ये ATS होम क्राफ्ट की बिल्डिंग है सामने, इसमें भी फ्लैट है, अगर आप चाहें तो वहां से फ्लैट खरीद सकते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद की जाती है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ हम आज का वीडियो बंद करते हैं।